हाय फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है सिद्धार्थ, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो भाई, आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसे इंसान का बारे बात करूंगा भाई, जो ओल्डेस्ट प्लेयर है। हाँ भाई, वो ओल्डेस्ट प्लेयर है और उसका बेस ज़्यादातर लोग गोस्ट बेस पे भी बोलते हैं। उसका टैग है P2OGQOP। तो भाई हम लोग सर्च करेंगे तो भाई ये एक्समाउथ है, जो कि भाई ओल्डेस्ट प्लेयर है इस क्लैश ऑफ क्लैन का। इसने छोड़ दिया है फिलहाल के लिए, पर ये ओल्डेस्ट प्लेयर है। इसके में आपको लग रहा होगा इसमें ये ओल्डेस्ट प्लेयर तो भाई हो सकता है, पर इसके में भाई वो तो है नहीं। ये घोस्ट बेस कैसे हो सकता है? तो घोस्ट बेस ऐसे हो सकता है, इसके में कोई भाई एग्जाइलर कलेक्टर ही नहीं है। इसके पास ना एग्जाइलर कलेक्टर है बस इतना छोटा सा है, और गोल्ड माइन इतना है, तो कोई बात नहीं, ये लड़ाई लड़के जीत सकता है। पर इसके पास भाई कोई स्टोरेज ही नहीं है, इसके पास भाई कोई स्टोरेज ही नहीं है, तो ये जमा कैसे करेगा अपना? और इसके पास सिर्फ 2 आर्मी कैंप है भाई। तो मैं आप लोगों को पूरा क्लियर कर देता हूँ इसका क्या है सच। सुपर सेल ने कहा है कि भाई जब ये 2012 बना तो भाई ऐसा इसमें था कि हम लोग कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं। उस टाइम में स्टोरेज भी सेल था, तो भाई इसने स्टोरेज अपना सेल कर दिया। अब उन्होंने भाई किया था, सुपर सेल वालों ने ही ये किया था, फिर उन्होंने अपना बदल दिया, अपग्रेड किया, तो आप उस किसी को भी अब सेल नहीं कर सकते सिवाय वो सजावट के सामान का, डेकोरेशन के सामान का। पर इसमें भाई तो फिर सुपर सेल वालों ने कहा कि भाई ये कोई हैक नहीं है, ना कोई ये घोस्ट विलेज है, ये एक ओल्डेस्ट क्लैप प्लेयर है। तो भाई ये एक ओल्डेस्ट प्लेयर है, इसके 2 आर्मी कैंप है, ना इसमें भाई कोई स्टोरेज है भाई। तो मुझे बहुत अच्छा है भाई ये क्लैन, ये सॉरी ये प्लेयर। तो इसके पास कुछ झंझट भी नहीं होगी कि स्टोरेज को अपग्रेड करो, कुछ नहीं होगा यार, ये सिर्फ ऐसे ही करता होगा। और मैं इसकी एक और खासियत बता दूं भाई, इसकी ट्रॉफीज देखिए आप, इसका ऑल टाइम बेस्ट 1250, यानी 1250, 1250 हैं। और इसकी अभी की ट्रॉफीज़ हैं 1620। तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है, पर ये ऐसा हुआ है। पहले इसने जब छोड़ा होगा अपना बेस, तो उसका ऑल टाइम बेस्ट होगा 1250, पर इसके बेस ने अच्छा किया, अच्छा इम्प्रूवमेंट किया, तो भाई इसके बेस ने अच्छा इम्प्रूवमेंट किया तो ट्रॉफीज़ भरती गई। इसके बेस की वजह से इसको भी 400+ ट्रॉफीज़ हैं, तो फिर 1620 ट्रॉफीज़ हैं। तो भाई ये ओल्डेस्ट है COC में, तो भाई ये मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है इस पे वीडियो बनाते हो, क्योंकि भाई ये ओल्डेस्ट है तो भाई कुछ तो होना चाहिए। और उस टाइम ना स्पेल थे ना हीरोज़ थे, 2-3 महीने बाद भाई हीरोज़ और स्पेल आए हैं, तो इसके स्पेल और हीरोज़ नहीं खुले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।